टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला जिसका पूरे देश को इंतजार था, आज वो समय वो पल आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के उस मुकाबले की जिसका इंतजार दर्शकों को बेसब्री से रहता है। सालों बाद ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पारी की शुरुआत करने भारत की तरफ से रोहित शर्मा और केएल राहुल मैदान में उतरे। उम्मीदें थी कि दोनों बल्लेबाज पाकिस्तान के गेंदबाजों को धूल चटा देंगे, लेकिन मैच की चौथी ही गेंद पर रोहित शर्मा अफरीदी की गेंद पर RPW आउट हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आउट होने के बाद किस तरह से रोहित शर्मा मायूस नजर आ रहे हैं। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया है और खुशी का माहौल था तो सिर्फ पाकिस्तान के खेमे में। लेकिन अब देखना होगा कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद कप्तान विराट कोहली किस रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं और कप्तानी पारी से पाकिस्तानी टीम की धज्जियां उड़ाते हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।